नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राम मंदिर में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चली, दीप भी जलाए गए और भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 22 लाख से ज्यादा दिए जलाने का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत 2017 से इस मामले में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है और एक बार फिर से नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है। बीते रोज हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अयोध्या में जाकर के जनसभा को संबोधित किया, दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी, दीपावली की शुभकामनाएं दी पूरे देशवासियों को। और अब अयोध्या में जो दीपोत्सव कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। दिवाली की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। अयोध्या की जो दिवाली है वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। और अब इस मामले में आपको बता दें कि राम मंदिर की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों पर चल रही है। अगले साल तक राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसका 22 जनवरी को शुभारंभ किया जाएगा, 22 जनवरी को उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन इसमें अब एक बड़ी खबर ये है कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से सजग नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन इसमें तैयारियां कर रहा है, किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि ये एक भव्य समारोह होने वाला है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का, शताब्दियों के इंतजार के बाद जो राम मंदिर अब अंततः बनकर तैयार हो रहा है, उसका जब उद्घाटन होगा तो जाहिर तौर पर लाखों की संख्या में देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु, भगवान राम के जो भक्त हैं, वो अयोध्या आएंगे। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम है वो हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है और इसमें एकदम यंग, जो जिन्हें अभी भर्ती हुए 2 या 3 साल ही हुए हैं, उन्हीं जो जवान हैं उन्हीं जवानों को लिया जाएगा। आपको बता दें कि 20वीं वाहिनी PAC के 150 जवानों को इसमें तैनात किया जाएगा और इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग जो है चल रही है, जिसमें से 1 महीने की ट्रेनिंग अभी पूरी हो चुकी है, 2 महीने की और बची है। इन्हें अत्याधुनिक हथियारों को चलाना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा हर एक किसी भी परिस्थिति से निकलना, उससे जूझना, उससे लड़ना सिखाया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि SDRF और NDRF की भी टीमें यहाँ पर मौजूद रहेगी, ताकि अगर किसी भी प्रकार की आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो ऐसे में त्वरित रेस्क्यू किया जाए। साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के हो सकता है कि कई जवान शामिल हों, सेना के हो सकता है कि बहुत सारे जवान इसमें शामिल हो, तो हजारों की संख्या में जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात रहेंगे और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैयारियां जो है की जा रही हैं। आपको बता दें कि जनवरी के अंत में, यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये जो सुरक्षा बल हैं वो वहाँ पर तैनात हो जाएंगे और इसके बाद सुरक्षा में लगे रहेंगे। इसके अलावा ज़रूरी जगहों पर ये लोग तैनात रहेंगे, जैसे मेट्रो स्टेशन्स हो गए, एयरपोर्ट्स पर हो गए, जहाँ पर खतरे की संभावना थोड़ी सी बन सकती है, क्योंकि अच्छा काम है, अच्छे काम में अक्सर क्या होता है कि कट्टरपंथियों की निगाहें ऐसे कामों पर रहती हैं। भारत में जब भी इस प्रकार की चीज़ें देखी गई है, हाल फिलहाल में जब विश्व कप शुरू हुआ तो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर के, उसने धमकी दी थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो इसको लेकर के सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा बल तैयार किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैयार किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो यात्री पहुंचेंगे, जो भक्त पहुंचेंगे भगवान राम के, उन्हें कोई किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में सुरक्षा बलों की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती करने के लिए उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है और अत्याधुनिक हथियार उन्हें चलाने सिखाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।